कुर्टी के चीनाकुड़ी में लोहा लदे तीन पिकअप वैन को रोककर स्थानीय लोगों ने किया हंगामा। बाद में स्थानीय लोगों ने लोहा लदे तीनों पिकअप वैन को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पिकअप वैन पर लदा लोहा कहां ले जाया जा रहा था, पुलिस इसकी छानबीन कर रही है। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के कुल्टी थाना के नियामतपुर पुलिस फाड़ी क्षेत्र के चीनाकुड़ी कोलियर इलाके में लोहा लदे तीन पिकअप वैन को रोककर स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि चीनाकुड़ी कोलियर इलाके से जैसे ही लोहा लेकर तीनों पिकअप वैन निकले तो स्थानीय लोगों को इसकी भनक लग गई। फिर क्या था, मौके पर काफी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई और उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया। आखिरकार पुलिस लोहा लादे तीनों पिकअप वैन को पकड़कर नियामतपुर पुलिस फाड़ी ले गई। लोगों का आरोप था कि पिकअप वैन पर चोरी का लोहा लाद कर ले जाया जा रहा है और फिर लोहे को कटिंग करके बेचे जाने की योजना थी। हंगामे की सूचना पाकर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस के सामने भी लोगों ने आक्रोश जताया और आरोप लगाया कि इसी तरह से आए दिन इस इलाके में लोहा चोरी हो रही है। चोरी के लोहे को विभिन्न इलाकों में तस्करी करके भेजा जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब उन्होंने लोहा लदे तीनों पिकअप वैन को पकड़ा और ड्राइवरों से कागजात दिखाने के लिए कहा तो उन्होंने जो कागजात दिखाए वो सही नहीं था। लोगों ने आशंका जताई कि संभावना इलेक्ट्रिक पोल को काटकर चीनाकुड़ी कोलियर इलाके से काजोड़ा इलाके में भेजा जा रहा था, जहां से फिर इस लोहे को कटिंग करके बेचने की योजना थी। लोगों ने पुलिस से लोहा चोरी की घटना में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। পেপারটা দেখার পর দেখছি পেপারে লেখা রয়েছে কোন আমাদের যে পূজে পোলগুলো রয়েছে এই পোলগুলো নম্বর সাকে কাজড়া সাইটে ট্রান্সফার করা হচ্ছে, কিন্তু পোলগুলো যদি নিয়েই যায় নিউ সাইট লেখছে ওরা নিউ সাইট যদি পোলটা তাহলে কি ওটা পোল যাবে? তো মনে হয় যে এটা ওই যে বৈধ কাগজ যেটা ওরা দেখাচ্ছে সেম তো এই পোল কাটিং কাহা থেকে করে লিয়ে যায়, এটা ওই গুডস নয়, এটা কাহা সে কাহা করে আমাদের মনে হয় যেটা চীনাকুড়ি এক দু নম্বর নদী ধার থেকে নিয়ে যাচ্ছে ওরা পোল কাটিং করে করে, কিন্তু আমার যেটা মনে হয় এটা আপ লোগো কাইসে জানকারি মিলা কেস নাই আমি বললাম চল ধরা জায়গা কাটিং কোথায় নিয়ে যাচ্ছো, তোর পেপার দেখাই, পেপার যখন দেখাই পেপার আমরা দেখছি যে এটা দেখাচ্ছে যে এটা না দেখাচ্ছে পেপার ঠিকই। আসানসোল সে সন্তোষ মন্ডল কি রিপোর্ট পাবলিক টাইমস। अब आपके शहर रानीगंज में नीलकमल फर्नीचर में मिलेंगे एक ही छत के नीचे फर्नीचर के सारे सॉल्यूशन, घर हो या ऑफिस, अब फर्नीचर की जरूरत पूरी होगी नीलकमल फर्नीचर में। लिविंग रूम सॉल्यूशंस, डाइनिंग सॉल्यूशंस, बेडरूम सॉल्यूशंस, स्टोरेज सॉल्यूशंस, सिटिंग सॉल्यूशन और यूटिलिटी सॉल्यूशंस, सभी सॉल्यूशन का एक ही नाम नीलकमल फर्नीचर। हमारा पता है NSB रोड रानीगंज अमृत कुंज आश्रम के निकट। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9832557469।